रूस की जमीन पर जिन हथियारों से हमले किए जा रहे हैं उनकी सप्लाई अमेरिका और यूरोप के देशों से हो रही है। रूस ने पहले भी कहा था कि उसकी जमीन पर जिन देशों के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा उनको बड़ी कीमत चुकानी होगी, और इसका मतलब ये माना गया कि रूस नेटो सदस्य देशों के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ सकता है। लेकिन अब मामला दूसरा नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के मित्र देशों के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ दिया है, यानी दुनिया भर में फैले रूस के एजेंट इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिन्हें हादसा माना जा रहा है क्या वो रूस के प्लान्ड अटैक हैं? यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, लेकिन इसके साथ ही यूरोप के देशों में बड़े हादसे शुरू हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने लगे, शहर के शहर जलने लगे। रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले शुरू कर चुका है। मई में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने वाला था, लेकिन देर से शुरू हुआ, और अब पुतिन भी ये घोषणा कर चुके हैं कि रूस काउंटर ऑफेंसिव का बदला लेने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि काउंटर ऑफेंस शुरू हो चुका है। यूक्रेन को हथियार मिलते ही ये साफ हो गया था। दूसरी बात ये कि एक भी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना की जीत नहीं हुई। यूक्रेन ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए। इसी इरादे से यूक्रेन ने रूस के वोरोनेज़ शहर पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन का ये ड्रोन एक रिहायशी इमारत से जाकर टकराया और इस हमले से 10 अपार्टमेंट तबाह हो गए। लेकिन इस ड्रोन का असली टारगेट था रूस का अहम ठिकाना। यूक्रेन का असली टारगेट था वोरोनेज़ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैक्ट्री। रूस की इस सरकारी फैक्ट्री में सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहाँ TU-28, TU-144 जैसे एयरक्राफ्ट बनाए जाते थे, तो IL-86 और IL-96 जैसे यात्री विमान भी बनाए जाते रहे हैं। यूक्रेन का टारगेट यही वोरोनेज़ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैक्ट्री थी, जिसे तबाह करने में उसका ड्रोन चूक गया। यूक्रेन रूस के शहरों पर उन हथियारों से हमले कर रहा है जो अमेरिका और यूरोप से सप्लाई हुए हैं। तो सवाल ये कि क्या अब रूस ने यूरोप से बदले की जंग शुरू कर दी है? ये दो तस्वीरें तो यही इशारा कर रही है, एक नीदरलैंड्स की और दूसरी जर्मनी की। नीदरलैंड्स के 13 शहर में अचानक आग भड़क गई। शहर के एक बड़े ब्लॉक को आग ने घेर लिया। 13 शहर के इस ब्लॉक के कई घर जलकर राख हो गए। नीदरलैंड्स मीडिया के मुताबिक आग भड़कने से पहले कई धमाके सुने गए। इसी तरह जर्मनी में भी विस्फोट हुआ और आसमान पर धुआं नजर आने लगा। बड़ी आग भड़कने से पहले कई धमाके सुने गए और देखते ही देखते हैम्बर्ग की हाफेर सिटी के आसमान पर धुआं छा गया। आगजनी की इन दो बड़ी घटनाओं को हादसा माना जा रहा है, लेकिन एक ही दिन यूक्रेन के दो मित्र देशों के अहम ठिकानों पर विस्फोट और बड़ी आगजनी क्या वाकई हादसा है या फिर रूसी एजेंट्स का काम है? क्योंकि युद्ध में ये दोनों देश यूक्रेन के मददगार हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक दिए हैं, साथ ही नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक दिए हैं। जर्मनी यूक्रेन को बख्तरबंद वाहन दे रहा है, नीदरलैंड्स से भी यूक्रेन को बख्तरबंद वाहन मिल रहे हैं। रूस पहले ही कह चुका है कि हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों को कीमत चुकानी होगी, इसीलिए ये माना जा रहा है कि नीदरलैंड्स और जर्मनी में भड़की आग कोई हादसा नहीं बल्कि रूसी जासूसों की जंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।